नमस्कार 132 एपिसोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट सीरीज उत्साह, या तो ऐसा कहिए कि हैशटैग स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। खुशियों को बांटने का ये जो उत्सव है, उत्साह है, इस उत्साह में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हालांकि मैं पहली बार इधर आया हूँ ये प्लेटफॉर्म पे, अभी दुर्गा जी के साथ इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की, और मतलब रियाज म्यूजिशंस के करियर के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आए, और मेरा भी काफ़ी कुछ रिवीजन हुआ इन चीज़ों का। और ये प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे लाइव उत्साह पे मैं पहली बार आ रहा हूँ, और मैंने एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप किया हुआ है। हालांकि मेरे साथ कोई म्यूजिशियंस नहीं है, लेकिन एक तानपुरा है और माइक्रोफोन, साउंड कार्ड और आप सब। तो आज जब मुझे इनविटेशन मिला, पहले मैं आपके कमेंट्स मुझे कहाँ मिलेंगे इफ टेक्निकल, आई कांट रीड योर कमेंट्स एनीवे। या कैन टेक्निकल टीम हेल्प मी सो दैट आई कैन रीड ऑल द कमेंट्स। नीरव, इफ यू कैन कम अगेन एंड यस हियर। यस तो मैं आज, जैसे हमने इंस्टाग्राम पे काफी ऐसे गाने याद किए जो कि राग बेस्ड हैं, ऐसे फिल्मों में काफी ऐसे गाने आए हैं जो पॉपुलर हुए हैं जो राग बेस्ड हैं, तो मैंने कुछ राग चुने हैं। सो सबसे पहले राग यमन कल्याण। यमन पर आधारित ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो कि पॉपुलर हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन शायद मालूम नहीं है कि ये कौन से राग पर आधारित है। तो ऐसे कुछ 10-12 गानों का एक गुलदस्ता बना के, यमन राग पर आधारित गानों का गुलदस्ता मैं आपके लिए पेश करना चाहूँगा। थोड़ा सुर ले लें। आई होप तानपुरी की आवाज सही है। बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर। चेक 1 2 3। ओके, तो मैं मान रहा हूं कि आपको सही सुनाई दे रहा है तानपुरी की आवाज, मेरी आवाज। यमन कल्याण राग पर आधारित ये कुछ गाने। थोड़ी टेक्निकल सेटिंग हो रही है, आई एम जस्ट वेटिंग एवरीथिंग सेटल हो जाए, फिर मैं शुरू करूं।
जी अब मुझे दिखाई दे रहा है, सबके कमेंट्स भी पढ़ सकता हूं। सो वाह, ओहो फरमाइश भी आने लगी अभी से, वाह जी वाह। ओदा जी, विशाल पारुल, यस। सो मुझे सिर्फ बता दीजिए कि वॉल्यूम आपको करेक्ट आ रही है ताकि हमको वापस शुरू करना ना पड़े। यस, इज द वॉल्यूम ओके टेक्निकल टीम? वॉल्यूम ओके टेक्निकल टीम? नीरव ओके, आई एम स्टार्टिंग। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। भूलेगी वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। निरगा रेगा मगर सासानी पप मेगा सानी सागा पम प नित सांझ सवेरे मिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम चंदन साबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन साबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये
मुस्काना, मुझे दोष न देना, जग वालों मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सबदन चंचल चितवन, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब है। अभी न जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। यार ये राग इतना प्यारा है, इतने गाने हैं, मतलब कितने गाएं और कितने ना गाएं, लेकिन कुछ और गाने मुझे जहन में आ रहे हैं। जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ ये, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, रस्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की में आई नजर, टन टन टन। घर से निकलते ही, और एक बहुत पुराना अलग मिजाज का गाना, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाए के, नीरे गरेगा नीरे मामा गरेगा गरे रे सा नीरे सा जा जा, नीरे गरेगा नीरे मामा गामा नीरे गा, आहे मिलाने को जी चाहता है, आज जाने की जिद ना करो। तो निगाहें मिलाने को जी चाह रहा था, और उत्साह के जरिए मैं दुर्गा जी के फेसबुक पेज पे आप सब म्यूजिक लवर्स के साथ जुड़ रहा हूं। क्या बात है, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सनी, रितेश, वाजीबा वाजीबा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। भावी शाह, ममता जैन, आपके गाने सुनने को जी चाहता है। अच्छा जी, कैपिटल जी चाहता है। ओके, उफ माय सॉन्ग विच वन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। यस संजय ओझा, संजय भाई कैम छो, ग्रेट गोइंग, थैंक यू। माला, ऑल टाइम हिट, यस थैंक यू सो मच। वाजीबा वाजीबा। सो
I'm so happy to connect with you all. जैसे मैंने दुर्गा जी को प्रॉमिस किया था कि मैं जो मैंने सारे गामा में गाए थे वो राग बेस्ड गाने भी गाऊंगा, लेकिन आज मैं वो गाना याद करना चाहता हूं कि ये म्यूजिक रियलिटी शो में मैंने पार्टिसिपेट किया और जिसमें मुझे पहला प्राइज मिला, वो एपिसोड में पंडित जसराज जी, मैं उनको वंदन करता हूँ, पंडित जसराज जी जज थे और मतलब एक संगीत के साधक की स्टूडेंट की के लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि उनके जो फेवरेट गुरु समान गायक उनको जज करे और उनके जजमेंट में पहला प्राइज मिले। सो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय करियर इन मुंबई। और वो गाना रहा फिल्म मुगले आजम का, राग सोहनी पर आधारित, बड़े गुलाम अली खान साहब की गाई हुई एक वो ठुमरी जो कि अमर हो गई है नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में। तो तब वो जमाना हुआ करता था कि जब शास्त्रीय संगीत के जो साधक थे, पंडित उस्ताद थे, वो फिल्मों में गाना कम पसंद करते थे और ये जब फिल्म मुगले आजम बन रही थी, सब जानते हैं कि कितने बड़े लेवल की फिल्म थी और उसमें जब के आसिफ साहब ने नौशाद जी को कहा कि मुझे तानसेन की ही आवाज़ चाहिए, आज के ज़माने में तानसेन कौन है, आज के ज़माने के तानसेन कौन है, तब नौशाद जी ने कहा कि ये पर्टिकुलर फिल्म की जो सिचुएशन है उसमें बड़े गुलाम अली खान साहब, अगर उनकी आवाज़ मिल जाए तो एक नौशाद जी ने कहा कि मेरा भी नाम रह जाएगा, मेरा भी नाम हो जाएगा, इतनी बड़ी शख्सियत है बड़े गुलाम अली खान साहब। तो कैसिफ साहब ने बोला कि मुझे उनके पास लेके चलो और फिर पहले नहीं माने, फिर उन्होंने गाया, उन्होंने कहा पहले मैं मुझे फिल्म शूटिंग करके मैं देखूंगा, फिर वो देख के गाना गाऊंगा। तो पहले के आसिफ साहब ने वो जो गाना है वो पहले शूट हुआ, फिर वो देख के उन्होंने गाया। तो वो ठुमरी मुझे बहुत ही पसंद है और वो मैंने सारे गामा में गाई और पंडित जी ने वो सुन के बहुत आशीर्वाद दिया। राग सोहनी का मन की प्यास बुझे
प्रेम जोगन बन के जब भी गाता हूं तब मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। ये राग वन ऑफ माय फेवरेट राग, और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि ये जब इसको मैंने तैयार किया था तब मतलब बहुत मुश्किल से ये गाना मुझे अच्छी क्वालिटी का एक ऑडियो कैसेट में मिला था, और फिर मैंने इतनी बार सुना इसको और बहुत चैलेंजिंग लगा था एंड आई वॉज इन्जॉइंग। सो क्योंकि क्लासिकल जो बड़े गुलाम अली खान साहब की जो बारीक जगह है उसको महसूस करने का एक मज़ा ही अलग है। चलिए, तो ये तो राग सोहनी, वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, फैब्यूलस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाह। अब जो मैंने दुर्गा जी को प्रॉमिस किया था कि वो गाना मैं जरूर गाऊंगा, फिल्म बसंत बहार। फिल्म बसंत बहार में पंडित भीमसेन जोशी जी और मन्ना दास साहब का ये ड्यूएट। मैं चेक कर लेता हूं कि ऑडियो ओके है कि नहीं है। वाह जी वाह, बहुत सारी फरमाइश आ रही है। थैंक यू सो मच जी। मनाली शाह सुपर, थैंक यू। भूमि दवे, थैंक यू। राजेश रावत, चलो ऑडियो ठीक है। ये गाना फिल्म बसंत बहार, राग भी बसंत बहार। Mm-hmm.
चंपक बन फूले कैत की गुलाब जूही चंपक बन फूले ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरवा लगाए झुलना में बैठ आज पीके संग झूले पीके संग झूले कैत की गुलाब जूही चंपक बन फूले केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले गल गल कूज कूज गल गल कूज कूज गुना गुना भवरों की गूंज राग रंग अंग अंग छेड़त रसिया अनंग कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले 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 कैत की गुलाब जूही चंपक बन फूले मधुर मधुर थोरी थोरी की गुलाब जूही चंपक बन फूले चंपक बन फूले चंपक बन फूले तो ये था भीमसेन जोशी जी और मन्ना डे साहब का ड्यूएट। वाह, मुझे मालूम नहीं मेरे पास कितना समय है, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो आज का ये उपक्रम उत्साह के प्लेटफॉर्म पे 132वां एपिसोड, दुर्गा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतने ये डिफ़िकल्ट टाइम में ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ इतना समय निकाल के उन्होंने खुद इतने सारे कलाकारों को एक मंच पर आप सबके लिए इनवाइट किए। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी दुर्गा जी। तो चलिए, रागों की बात चल रही है और आज क्योंकि मुझे पंडित जी की के साथ जितने भी प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं उन एज ऑडियंस में बैठ के और उनके साथ तानपुरा संगत करके, वो समय मुझे याद आ गया और इसलिए मैंने कहा कि आज ये उपक्रम जो मिला है मैं ज़्यादातर रागों पर आधारित गाने पेश करना चाहूँगा। तो चलिए, जैसे मैंने यमन कल्याण राग पर आधारित करीबन 10 से ज़्यादा गाने के मुखड़े मुखड़े पेश किए थे, वैसे ही मैं रागों की मेडली, राग मालिका कहा जाता है, वैसी एक राग मालिका पेश करना चाहूँगा जिसमें 7 या 8 मिनट में 22 रागों का अद्भुत कंपोजिशन है, कंपोज किया है अहमद हुसैन साहब। महमद हुसैन साहब ने इसको लिखा भी है और कंपोज भी किया है। और एक नारी की सुंदरता का वर्णन हर एक राग में कितनी खूबसूरती से किया है, ये आप देखिए और हर एक राग का मज़ा लीजिए। तो मैं पेश करता हूँ राग मालिका, जिसकी शुरुआत शुद्ध स्वरों से हो रही है और उसका अंत भैरवी से होगा और बीच में 22 रात 21 रात। Hmm.
क्या तुझ पे नज़्म लिखूं और कैसा गीत लिखूं, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं और कैसा गीत लिखूं, जब तेरी तारीफ करूं, जब तेरी तारीफ करूं, सुर ताल में मीत लिखूं, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं। कलावती में तेरी छवि है, मुखड़ा रूप का दर्पण, तेरे लबों के रंग में पाए मैंने लाल यमन, हवा में उड़ती लट का स्वागत, हवा में उड़ती लट का स्वागत, करती जय जयवंती, महका महका खिला खिला सा तेरा रंग बसंती, और बाल कमर पे जैसे पहाड़ी पर घनघोर घटाए, मेघ से नैना सावन भादो, प्रेम का रस बरसाए, तेरी सोहनी मोहनी सूरत कोमल कंचन काया, जाने गजल किस्मत से पाई तेरे हुस्न की छाया, जिसमें सुखन रागेश्वरी है रूहे संगीत लिखूं, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं, तेरी धानी चुनरिया लहरी जैसे मधुर बयारी, प्यार का गुलशन महका महका तुझसे जाने बहार, तेरी एक झलक है काफी, तेरी एक झलक है काफी, मुझको जान से प्यारी, चाल नशीली देख के तेरी रक्स करे दरबारी, सर से पांव तलक दिलकश अंदाज तेरा शाहाना, तू मेरी गुन कली है जानम, मैं तेरा दीवाना, तेरी चाहत दिल में लेकर, तेरी चाहत दिल में लेकर घूमा देश विदेश, तुझसे जब भी दूर रहा हूँ
जोगिया भेस सदा सुहागन सदा सुहागन भैरवी तुझको प्रीत किरीत लिखूं क्या तुझ पे नज़्म लिखूं और कैसा गीत लिखूं जब तेरी तारीफ करूं सुर ताल में मीत लिखूं क्या तुझ पे नज़्म लिखूं। तो ये हैं 22 रागों की राग मालिका और कितने अच्छे शब्द हैं, मुझे बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब का ये कॉम्पोजिशन और मोहम्मद वकील के पास से मैंने ये सीखी जब सारे गामा में उन्होंने गाई थी, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने उनको कहा मुझे सीखना ही है, एंड ही टॉट मी दिस। एंड जब भी ऐसा मौका मिलता है कि रागों की बात चले तब मैं इसको गाने का मौका छोड़ता नहीं। जी वाह जी वाह, लागा चुनरी में दाग की फरमाइश कर रहे हैं सीमा जी, सीमा वाजपेयी, महेंद्र पाटिल एक्सेलेंट, केत की गुलाब, थैंक यू सो मच। फिर दीप्ति गुप्ता बोल रही हैं कि दिस इज क्वाइट सिंपल फॉर पार्थिव, थैंक यू, इट्स गॉड्स ग्रेस। लगा चुनरी में दाग, यस, ये गाना है एक्चुअली। ज़्यादा मज़ा तभी आएगा जब तबले की संगत हो, क्योंकि उसमें जो तराना है और नादर दिरदानी, क्योंकि अब भैरवी के तरफ ही हम बढ़ने वाले हैं। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जान, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल, आ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। दिन तना दिर दिर दाल दर थैंक यू सो मच फॉर ऑल फॉर योर लव, यस। और इसके आगे वाला जो तराना है वो तो तबले के साथ ही मजा आएगा। तो भैरवी में मेरी इच्छा है कि फोक ट्यून जो गुजराती में, आई थिंक काफ़ी गुजराती नाम मैं देख रहा हूँ, तो दे वुड लव, पहले मैं कुछ ओहो इतनी सारी फरमाइश आ रही हैं, चलिए भैरवी में से थोड़ा सा अहिर भैरव के ऊपर थोड़ा शिफ्ट होते हैं। Al-Bilas
सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे मुरात मन सुख पायो रे मुरात मन सुख पायो अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे मंगल गाओ चौक पुराओ मंगल गाओ मंगल गाओ मंगल गाओ चौक पुराओ मंगल गाओ मन रंगनी सदिन पायो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला 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 सजन आयो सजन आयो सजन आयो सजन आयो थैंक यू वेरी मच आपने फरमाइश की थैंक यू अर्चना दवे बोल रहे भले भले हो जाए क्या बात है सुधा व्यास थैंक यू वाह थैंक यू गीता जी मनीष भट्ट नाइस फैंटास्टिक थैंक यू मनीष भाई पार्थ ओझा वाह क्या बात है पूजा ओझा आई एम सॉरी वर्षा देसाई थैंक यू सो मच तो भैरवी की तरफ आगे बढ़ते हैं और भैरवी में भी काफी अलग अलग गाने मुझे याद आ रहे हैं इतने आप इतना प्यार से लिख रहे हैं वापस एक बार पंडित जसराज जी को प्रणाम करते हुए उनको याद करते हुए उनकी एक उनकी आवाज में मैंने सुनी हुई ये बंदिश पहले पेश करना चाहूंगा प्रभु जी तुम कैसे बने हो प्रभु जी तुम कैसे बने हो मोरे मन की न पूछे बतिया मोरे मन की न पूछे बतिया मोरे मन की न पूछे बतिया और न सांग रंग रलिया प्रभु जी तुम कैसे कैसे बने हो प्रभु जी तुम कैसे
जाओ जी जाओ हम तुम संग रूठे रूठे, जाओ जी जाओ हम तुम संग रूठे, लाख जतन करो तुम बड़े झूठे, काहे परत तुम हमारे पैया, प्रभु जी तुम कैसे बने हो, प्रभु जी तुम कैसे बने हो, प्रभु जी तुम कैसे बने हो। और मेरे दिल की बात ये कहना चाहूंगा दुर्गा जी को, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। उत्साह के इस एपिसोड में मुझे इतने अच्छे ऑडियंस के सामने एक स्वर संगीत, मैं कहना चाहूँगा राग संगीत पेश करने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में ये गुजराती, काफ़ी फरमाइश आ रही है गुजराती गाने की, तो ये ज़वेरचंद मेघाणी गुजरात के शायर, उनका ये पेट्रियोटिक गाना जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वो भैरवी राग में है, उससे ऐसी खूबसूरत शाम का कभी समापन नहीं हो सकता, ये एक इंटरवल ही होगा और उत्साह का अगला दौर कल जैसा दुर्गा जी ने बताया वो वापस शुरू रहेगा। सो दिस इज द लास्ट सॉन्ग बिफोर टुमारोज एपिसोड। हे ना तंबुर थी तपके लो मस्ती भर चाख्यो कसुबी नो रंग, जी भक्तों ना तंबुर थी तपके लो मस्ती भर चाख्यो कसुबी नो रंग, हे ओली वाली दिलदारा ना पगनी मेहंदी पर थी चूम्यो कसुबी नो रंग, हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुबी नो रंग, हो राज मने लाग्यो कसुबी नो रंग। जी जननी ना हैया मा पोढ़ंता पोढ़ंता पीधो कसुमी नो रंग, ओ राज यमे पीधो कसुमी नो रंग, ओ राज यमे पीधो कसुमी नो रंग, हे ना धोड़ा धावण केरी धाराए धाराए पाम्यो कसुमी नो रंग, हो राज मने लाग्यो कसुबी नो रंग, हो राज मने लाग्यो कसुबी नो रंग, हो जीरे कंठे नी तरता हालरडा मा घोड़ियो कसुबी नो रंग, ओ राज यमे घोड़ियो कसुबी नो रंग, ओ राज यमे घोड़ियो
कसुमीनो रंग हे ओली भीषण रात्रि केरा पहाड़ो नी त्राड़ो ए चोड़ो कसुमीनो रंग ओ राज मने लाग्यो ओ राज मने लाग्यो ओ राज मने लाग्यो कसुमीनो रंग ओ राज मने लाग्यो कसुमीनो रंग ओ राज रे ओ राज रे ओ राज रे।